हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डिटरमिनेंट यानी सारणिक का ये सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया, एक डिटरमिनेंट को किस प्रकार से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल वैल्यू से एसोसिएट करते हैं जो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कहलाती है। डिटरमिनेंट या तो 1x1 के होंगे, 2x2 के, और मैक्सिमम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 3x3 के डिटरमिनेंट आपको मिलेंगे। 2x2 के दो तीन डिटरमिनेंट मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द वैल्यू मतलब मान ज्ञात कीजिए। तो हम बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। आपको बताया है कि अगर 2x2 की डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -3 से, फिर माइनस का साइन लगाना है, और फिर इधर 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। बस बात खत्म, समझिए पूरी बात को। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया -6 -8, इट मींस -14 आपकी वैल्यू हो गई। दैट्स ऑल। काम बहुत आती है ये, किस प्रकार से कैसे वो आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम काम में लेते चलेंगे। अगला डिटरमिनेंट देखो, फिर से 2x2 का है, दो रो है, दो कॉलम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर, लेकिन ये माइनस साइन स्क्वायर है तो हो जाएगा ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा एक होता है, चाहे थीटा की कोई भी रियल वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। थीटा की कोई भी रियल वैल्यू होगी उसके लिए आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 मिलेगा। ओके, हो गई वैल्यू। और क्या, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो डिटरमिनेंट आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या कहा गया है कि इस बार डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बतानी है हमें, डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है 4, आपको के की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करें, प्रोसेस फॉलो करें कि के को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4k, फिर माइनस लगा दो पहले ही, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 8 = 16, और इक्वल टू क्या गिवन है 4। अब ये माइनस 16 उधर जाएगा तो प्लस 16 हो गया, यानी 4k = 20, 16 × 4 = 20 हो गए, तो यहां से k की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 5। दैट्स ऑल। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपकी बुक में भी दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, तो आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर से देखो, फिर से k की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है। इस बार भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 7, कि ये डिटरमिनेंट 7 के बराबर है तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो बताइए क्या करेंगे, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर माइनस साइन पहले लगा दिया करो, गलती नहीं होगी। माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, जो इसको क्या बना देगा +3 = 7। यहां से अगर मैं बात करूं तो k² = ये प्लस का 3 उधर गया तो आपके पास भी मिल गया 7 - 3 यानी 4, और 4 को क्या मैं +-2² लिख सकता हूं, +2² = 4 होता है, -2² = 4 होता है, दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे तो k की वैल्यू हमें मिल गई +-2। बात खत्म। अब 3x3 के मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, 3x3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले तो सारूस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसके बाद में माइनर और कोफैक्टर यानी उपसारणिक और सहखंड की सहायता से भी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं दोनों ऑप्शन लेके चलूंगा, सबसे पहले तो बात करूंगा मैं सारूस फॉर्मूले से। सारूस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, 3 × 2 × 0, मैं कोई लाइन नीट बना रहा हूं, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना है, 3 × 2 × 0 मतलब 0, फिर 11 × 0 × 10 इट मीन 0, 11 × 0 × 10 इधर से 2 इधर से 1 इधर से 1 इधर से 2, -1 × 5 × 3 -15, फिर माइनस लगाओ, फिर नीचे से ऊपर की ओर चलो, 10 × 2 × -1 -20, 3 × 0 × 3 0, 0 × 5 × 11 0, फाइनली बोलो -15 + 20, देखिएगा -15 + 20 यानी आपको 5 इसकी वैल्यू मिल गई। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। अब दूसरा ऑप्शन देखो,
हम क्या कर सकते हैं, किसी एक रो या एक कॉलम के रेस्पेक्ट में उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। ओके, अब कौन से रो और कौन से कॉलम के रेस्पेक्ट में करें, तो मैं आपको यह बताऊंगा कि जिस रो और जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्यादा हो, या मैं ये कहूंगी 3x3 का अगर डिटरमिनेंट है तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी रो या किसी कॉलम में दो जीरो मिल जाए। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि ये जो आपका कॉलम है कॉलम 3, इसमें कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो आप इसके रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये एलिमेंट लिख दिया -1 लिख दिया, उसके बाद में जीरो और उसके बाद में फिर जीरो, तीनों एलिमेंट लिख दिए मैंने। ओके, अब इनके साइन ये लिखे हुए हैं इसके बेस पर नहीं, आप डिटरमिनेंट में मैंने साइन कन्वर्जन बताया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे किसी भी ऑर्डर में चले, तो यहां क्या होता है प्लस साइन, यहां माइनस और यहां पर प्लस, तो इस सीक्वेंस में साइन लगाओ, तो पहले के प्लस साइन लगाएंगे तो ये माइनस वन है, माइनस वन ही रहेगा, फिर माइनस साइन लगाएंगे और फिर प्लस साइन लगाएंगे, उसके बाद में इस माइनस वन के साथ में आपको क्या लिखना है, इसका उपसारणिक यानी माइनर लिखना है। क्या होगा इसका, इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, इसकी रो को छोड़ दिया और इसके कॉलम को छोड़ दिया, तो कितना आया 5, 2, 10 और 3। अच्छा, इस जीरो का उपसारणिक लिखने की जरूरत नहीं है मुझे माइनर, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये मिलकर के जीरो ही बनना है लास्ट में, तो ये बेनिफिट होता है एक्सपेंड करने का, समझ रहे हैं, क्यों, यहां जो कुछ भी आएगा वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा, लिखने को क्या कर सकते हो, इस जीरो के रो और जिस कॉलम को छोड़ करके 3, 11, 10, 3 ये लिख सकते हो आप, लेकिन मैं नहीं लिखने वाला, क्यों, क्योंकि ये जीरो बन जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा, तो ये देखो कितना हो गया 15 माइनस 20, 15 माइनस 20 मतलब -5 और बाहर वाले माइनस से हो जाएगा +5, देखो वैल्यू वही आ गई, ठीक है। तो अब आगे से ये श्योरी कर लो ये इस बात को कि जब भी किसी रो या किसी कॉलम में दो जीरो दिखेंगे तो हम एक्सपेंड करने वाला मेथड यूज करेंगे। जैसे अगला डिटरमिनेंट देखो, इस डिटरमिनेंट की इस रो में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपके पास में दो जीरो है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को लिखा मैंने, डिटरमिनेंट की वैल्यू देखिए डायरेक्टली इस 5 को लिखा, अच्छा साथ ही साथ इस 5 का साइन क्या होना चाहिए, 5 के साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, तो -5 लिखो, अगर ये -5 होता ऑलरेडी तो +5 हो जाता, बस साइन चेंज कर दो। बात ये है कि जहां पर माइनस साइन आता है, जो आपको चिन्ह परिपाटी बताई है यानी साइन कन्वर्जन बताया, उसके अकॉर्डिंग जो साइन जहां माइनस आता है उसका साइन बदल दो, और बाद में क्या करो, इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ दो और ये डिटरमिनेंट लिख दो, अब क्या -7, 13 और 11 और 2, बाकी इन दोनों जीरो के लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होकर वो जीरो ही बन जाएंगे, तो ये वैल्यू आ गई, आप देखेंगे कितने -14 कितना आया -5 मल्टीप्लाई -14 माइनस 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143, ठीक है 143। तो ये जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा इज इक्वल टू 785 हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना 785 आपको मिल जाएगा, प्लस में मिलेगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस, बाहर वाला भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 785 आंसर। तो 2, 3x3 के डिटरमिनेंट में एक्सपेंड करने वाला ये सॉरी सारूस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंड करने वाले फॉर्मूले में बेनिफिट क्या हो जाता है कि जहां दो से दो जीरो मिल जाते हैं, आगे हम बात करेंगे, देखना अगर तीनों ही जीरो मिल जाए किसी रो में तो डिटरमिनेंट की वैल्यू डेफिनेटली जीरो आनी है, क्योंकि जिस रो में तीन जीरो मिल गए, जिस कॉलम में तीन जीरो मिल गए, उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, फिर तीनों ही जीरो के माइनर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों माइनर जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएंगे, फाइनल आंसर जीरो आ जाएगा, आगे बात हो जाएगी इसकी भी। अच्छा जी, फिर देखिए फटाफट ये नोट करते चलो, बस 6 क्वेश्चन हो गए स्पीडली।
नेक्स्ट देखो सातवां क्वेश्चन, इसमें भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले तो अपने को। अब सारोस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, करके देखते हैं। चलो सारोस फॉर्मूले से 2 into 5 into 7 यानी 70, 4 into 2 into -1, देखो ऊपर से दो नीचे से 4 into 2 into -1 मतलब -8, 1 into 8 into 3 24 माइनस। अब इधर से करो -1 into 5 into 1 तो ये हो गए -5, 3 into 2 into 2 12, 7 into 8 into 4 तो ये हो गए 7 into 8 56 into 4 ये हो गए 224 अब देखिए ये वैल्यू कितनी आएगी, ये तो कितने हो गए 24 में से 8 माइनस हो गए तो 16, तो 70 plus 16 86। और यहां पर देखिए 236 प्लस के कितने हो गए 224 प्लस 12 236 माइनस 5 तो 236 माइनस 5 तो 231। ठीक है, अब माइनस करेंगे, ये बार बार माइनस है तो 86 माइनस से 231 यानी हमारे पास में कितना जाएगा 5 और 4 और 1 1 माइनस में आ जाएगा 145। ये आ गया। अब मैं आपसे कहूं कि इस डिटरमिनेंट को चेक करो अलग अलग तरीके से, जैसे रो 2 के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देखो। देखिए रो 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके माइनर फाइंड आउट करो पहले, तो चलो मैं करके दिखा देता हूं पूरी बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट की ओर जाएंगे अपन। रो 2, ये रो 2 है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 8 2 1 बोलते हैं अपन, 8 2 1 हो गया 8, ठीक है, और 8 2 2 ये वाले, ये 8 आ गया, फिर 5 आ गया और 8 2 3 2 आ गया। आप रो 1 रो 3 कोई सी भी ले लो, मैंने रो 2 को सिलेक्ट किया कि रो 2 में पहला एलिमेंट जिसको अपन 2 1 बोलते हैं, 2 2 बोलते हैं, 2 3 बोलते हैं, ये लिख लिए। अब इसके लिए माइनर, इसका माइनर थोड़ा सा गैप देके लिख देता हूं मैं, 8 2 2 5 और 8 2 3 ये आगे, इसका भी माइनर लिखेंगे और इसका भी माइनर, माइनर लिखा मैंने M21 के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो देखो सेकंड रो छोड़ दिया फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो ये बचा 4137। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो 28 - 3 यानी 25 आ गया। ठीक है, ऐसे ही M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो सेकंड रो छोड़ दी सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो 21 और -17। वैल्यू की बात करें तो ये हो गया 14 + 1 यानी 15 आ गई। और M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया 24 और -13 ये देखो 6 + 4 यानी 10 आ गया। अब अगर यहां से एक्सपेंड करने की बात आती है तो डेल्टा इज इक्वल टू, सबसे पहले एलिमेंट लिखो A21, A22 और A23, फिर साइन लगाओ माइनस प्लस याद करो प्लस माइनस प्लस ऐसे ही होता है तो माइनस प्लस माइनस आता है सेकंड रो में। इसका माइनर M21, इसका माइनर M22, इसका माइनर M23। आप इसको ये भी बोल सकते हो, ध्यान दें ये माइनर आया ना,
तो इस माइनर से, चलो एक काम करो रुको, ये माइनर आया, इस माइनर से अगर अपन कोफैक्टर की बात करें एफ टू वन की, तो एफ टू वन में टू और वन थ्री हो रहे हैं, माइनस आता है ना, माइनस एम टू वन, तो ये माइनस 25 आएगा क्या? जहां पर इनका टू आई और जे का सम ओड नंबर आता है वहां पर माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस होता है, किस बात का? साइन का डिफरेंस होता है, और जहां से सम आता है यानी 2 प्लस 2 4 आ गया, जैसे 2 का मल्टीपल आ गया, वहां पर एज इट इज आपको वो के वो मिल जाते हैं। यहां देखो क्या F23 ये आएगा माइनस 10, क्यों? हम लिखेंगे माइनस M23 और माइनस 10, अपोजिट साइन क्या जाएंगे जिनमें माइनस होता है वो। तो अब यहां से आप डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में, R2 के लिए ये लिखेंगे। देखो प्लस माइनस का जो भी काम था वो इसमें आ चुका, तो मैं अब डायरेक्टली ये लिख रहा हूं ए टू वन एफ टू वन प्लस ए टू टू एफ टू टू प्लस ए टू थ्री एफ टू थ्री, यानी सेकेंड रो के एलिमेंट को उन्हीं के कोफैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या आया एट इंटू माइनस 25 प्लस 15 इंटू 15 प्लस 10 इंटू माइनस 10। ध्यान देना, माइनस के 200 और माइनस के 100 कितने हो गए, माइनस के 300 और 225, 200 और 100 300, माइनस 300 और 15 को 15 225, एक मिनट है, पांच ही है यहां पर, सॉरी ये 15 थोड़ी है, लिमिट कितना है पांच, 200 और 100 300 हो गए माइनस के, और प्लस के 45 15 प्लस के 75 75, ये सही तो आ रहे हैं 15, माइनस 25 माइनस 10, यहां पर भी दो ही है, सॉरी 20 कैसे कर रहा हूं मैं, ये भी दो ही है, 2 को माइनस 10 से, 5 को 15 से और 8 को माइनस 25 से, तो 220 और 75 ये हो गए माइनस के 145। ठीक है, क्या आपने देखा कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल गई। अब आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट की ओर लेके जा रहा हूं, देखिएगा, हालांकि बाद में हमें उसको लिखना भी है, नोट लगा के आप देखो, आपके पास में सेकेंड रो के क्या है, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स हैं, ये रहे इनको आप फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके देखो, देखिए फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 2, 2 को माइनस 25 से मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस का 50, फिर अगला है 4, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस का 60, फिर 1, 1 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके देखो, 0 आया, ऐसे ही थर्ड से करके देखो, मतलब कोफैक्टर कौन से के लेने अपने को, सेकंड रो के, और एलिमेंट अगर मैं सेकंड रो के लेता हूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है, लेकिन अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट लेता हूं और सेकंड रो के कोफैक्टर लेता हूं तो 0 आया, ऐसे थर्ड रो के एलिमेंट और सेकंड के कोफैक्टर, तो माइनस 1 को माइनस 25 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 25, 3 को मल्टीप्लाई किया 15 से, प्लस का 45, और फिर 7 को मल्टीप्लाई किया माइनस 10 से, तो माइनस 70, तो आप देखिए ये भी 0 आ गया। तो आगे हम एक बात लिखेंगे कि अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है तो हमेशा 0 मिलेगा। ऐसे ही आर वन के कोफैक्टर लेते हो, आर टू के एलिमेंट लेते हो, 0 आएगा, आर थ्री के कोफैक्टर लेते हो, आर टू के एलिमेंट लेते हो, 0 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा पॉइंट बन जाता है, हालांकि अभी ये क्वेश्चन तो सिर्फ ये था कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, कैसे भी बताओ,
सर उस फॉर्मूले से बताओ, चाहे आर वन के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करके बताओ, आर टू के रेस्पेक्ट में, सी वन सी टू सी थ्री किसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करके बताओ, तो हम कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी नहीं है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। ओके चलिए जी, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो इंट्रोडक्शन पर बेस्ड थे। अब मैं टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूं, सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही काम का टॉपिक। अगर मैं ये कहूं कि जो तीन नंबर का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में से आना है वो यहीं से आएगा, हर बार उसी से आता है कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करके किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर एक, पी वन बोलूंगा मैं उसके, ठीक है, पी वन प्रॉपर्टी बोलू, पी वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पहले मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, जरूरी है आपके लिए ये लैंग्वेज जानना, आपकी बुक में भी लिखी हुई मिल जाएंगी आपको। क्या है, यदि किसी, पहले हिंदी वाले स्टूडेंट लिख ले, यदि किसी सारणिक के में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसमें लिखेंगे आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ऑल रॉज ऑफ ए डिटर्मिनेंट changed into columns and all columns changed into rows, then then the value of determinant of the determinant remain unchanged। बहुत काम की बात, समझ लीजिए कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की सारी रो हैं उन्हें कॉलम बना दें और कॉलम्स को रो बना दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझ सकते हैं, फटाफट आप ये लिख लीजिए, उसके बाद में मैं बात करूंगा एक एग्जाम्पल की। देखो क्या है, कोई भी एक डिटर्मिनेंट मैं ले लेता हूं अपनी तरफ से,
जैसे अभी जो ली थी उसी को ले ले, डेल्टा इज इक्वल टू 241, 3x3 का ले रहा हूं, ठीक है, 241 852 -137। ये एक डिटरमिनेंट हमने ली और हमने देखा कि इसकी वैल्यू आई -145 अभी जो जस्ट ली थी अभी अपन ने, उसकी वैल्यू कितनी आई माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डिटरमिनेंट से डेल्टा डैश एक डिटरमिनेंट बना रहा हूं। अब डेल्टा डैश का मतलब क्या है, रो चेंज इनटू कॉलम। फर्स्ट रो है 241, इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूं 241। सेकंड रो है 852, इसको सेकंड कॉलम बना दिया 852। थर्ड रो है -137, इसको मैंने थर्ड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को कॉलम। और ऐसे देख लीजिए 2 at -1 फर्स्ट कॉलम था, अब फर्स्ट रो बन गए। अब अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया, मतलब हमने क्या किया है, कॉलम्स और रो इंटरचेंज कर दिए, ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई, कॉलम्स और रो इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। ज्यादा बेहतर ऐसे लिखा हुआ होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज, पहले रो, रो और कॉलम्स आपस में क्या कर दिए, इंटरचेंज। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। अब आप अगर देखेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा डैश, सारूस फॉर्मूला ही लगा लो, 2 into 5 into 7 70, 8 into 3 into 1 24, -1 into 4 into 2 -8, फिर -1 into 5 into -1 -5, 2 into 3 into 2 12, 7 into 4 into 8 कितना आया 224। अब देख पा रहे हैं डेल्टा डैश इज इक्वल टू, ये 1686 हो गए माइनस ये वही 231, और जब यहां से करेंगे तो क्या आएगा -145 आएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा, ओके। मतलब यह है कि किसी भी डिटरमिनेंट की सभी रो और सभी कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। मैं 3x3 को लेकर के समझा रहा हूं, 2x2 अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी से जो बात निकल करके आई है सामने, वो देखना काम की बात क्या। अगर एक मैट्रिक्स है ए, आपका मैट्रिक्स है ए, और ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है, और आप इस मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं इसके ट्रांसपोज में, ट्रांसपोज बोल दो चाहे ए डैश बोल दो, ए के ऊपर टी लगा दो, तो आप क्या करते हो ट्रांसपोज में, ए जे आई एन क्रॉस एन, रो और कॉलम आपस में बदल जाते हैं। लेकिन यहां से जो बात होगी वो ये होगी कि ट्रांसपोज लेने के बाद इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू और ट्रांसपोज लेने से पहले की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएगी। ये आपका एक पॉइंट बन गया, किसी भी डिटरमिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू और मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है, ओके। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं अपन, प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है,
लैंग्वेज लिखता हूं पहले, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, चलिए जी फटाफट मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं। इस बात को याद रखनी है आपको, इफ टू रॉज और कॉलम्स और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटरचेंज इंटरचेंज्ड इंटरचेंज का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दिया, सेकंड रो को फर्स्ट बना दिया, सिर्फ आपस में दो रो या आपस में दो कॉलम, आपस में इंटरचेंज है ना, इंटरचेंज। देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम बट इट्स साइन बी चेंज्ड। बात को समझे, क्या कहना चाह रहे हैं अपन कि यदि डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बदल दिए जाएं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगी बट उसका साइन बदल जाएगा। अगर पहले प्लस का था तो माइनस आ जाएगा, माइनस का था तो प्लस आ जाएगा। फिर से मैं वही डिटर्मिनेंट वो का वो काम फिर से कर रहा हूं। डिटर्मिनेंट आपके पास में है डेल्टा इज इक्वल टू 241 एट 52 माइनस 137। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 145। अब देखिए इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, डिटर्मिनेंट यही है, मैं रो वन और रो टू को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, रो वन इंटरचेंज रो टू। ठीक है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नया डिटर्मिनेंट बना, मैं उसको डेल्टा वन नाम देता हूं। अब देखिए रो टू तो चली गई रो वन की जगह पर, रो वन आ गई रो टू की जगह पर, तो एट फाइव टू आपकी फर्स्ट रो बन गई, अब एट फाइव टू और 241 फर्स्ट रो बन गई 241 और माइनस 137 ये जहां एज इट इज
वैसा वैसा। अब अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू देखना, डेल्टा वन इज इक्वल टू एट इंटू फोर इंटू सेवन, वही बात हो गई, 32 गुणा सात 224, 5 इंटू वन इंटू माइनस तो माइनस 5, 2 इंटू टू इंटू थ्री 12, माइनस माइनस 1 इंटू फोर इंटू टू माइनस 6, 3 इंटू वन इंटू एट प्लस के 24, और 7 इंटू टू इंटू फाइव प्लस 70। आप देख पा रहे होंगे डेल्टा 1 इज इक्वल टू 236 माइनस 1 231, तो इस बार आगे प्लस के, माइनस 86 आ गए इस बार किसके, माइनस के, रिजल्ट आया 145। ठीक है, पहले कितना आया था माइनस 145, न्यूमेरिकल वैल्यू वो की वो साइन बदल गया। इसका मतलब क्या, मैं ये कह सकता हूं क्या कि डेल्टा वन जो है वो माइनस डेल्टा के इक्वल आ गया, माइनस से डेल्टा के। ओके, तो ये बात हमें समझनी है कि कोई भी दो रो, आप दो कॉलम बदल के देख लो, इन दोनों कॉलम्स को आपस में बदल के देख लो, 453 इधर भेज दो, 281 माइनस 1 इधर भेज दो, वैल्यू कितनी आएगी, वापस 145 आ जाएगी। ओके, तो चलिए मैं कुछ बातें इसमें और ऐड करूं कि अगर कभी जरूरत पड़ी, सुनिएगा नोट लगा के आप ये बात, इसी पर देखो, कॉलम वन और कॉलम टू को आपस में चेंज कर दिया तो क्या होगा, आपका डेल्टा चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस डेल्टा में बदल जाएगा। अगर आप कभी ऐसा कर देते हैं, सुनना ध्यान से, कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम थ्री ऐसे थे, तो देखो एक बार यहां से क्या आएगा, माइनस डेल्टा, फिर यहां से क्या आएगा, प्लस डेल्टा, फाइनली क्या होगा, अगर आप बात करेंगे तो डेल्टा पहले चेंज होगा किसमें, माइनस डेल्टा में, लेकिन फिर वापस चेंज हो जाएगा डेल्टा में। बात को समझिए, आप चेक करके देख सकते हैं, वही एग्जांपल लेकर के इसको चेक कर सकते हैं। क्यों, देखो इसमें हुआ क्या, एक्चुअली कॉलम वन कॉलम टू की जगह चला गया, टू वन की जगह आ गया, ठीक है, यहां वन आ गया यहां टू आ गया, फिर टू थ्री की जगह चला गया थ्री, फिर एक बार एक इंटरचेंज से माइनस हुआ, दूसरे इंटरचेंज से फिर माइनस हो गया, तो वापस जैसा था वैसा का वैसा मिल गया। यही चीज कॉलम रो के लिए भी लागू होगी, अगर रो में भी आप दो बदलाव करते हो आर वन आर टू आर थ्री, तो अभी आपका डेल्टा है वो पहले माइनस डेल्टा बनेगा और फिर वापस डेल्टा। मेरा कहने का मतलब इतना अच्छा था कि अगर आप दो इंटरचेंज कर देते हो तो रिजल्ट वापस वही का वही आ जाता है, कोई चेंज नहीं आता। ओके, अब मैं बढ़ता हूं प्रॉपर्टी नंबर थ्री की ओर। प्रॉपर्टी नंबर थ्री का स्टेटमेंट फिर से लिख रहा हूं, देखो यदि याद करो ये बात ही, ये जो बात थी ना यही ऐसे बनाती है, अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं पहले, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स अगर लैम्डा के इक्वल है तो ए सी बी का बॉक्स है वो माइनस लैम्डा के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बॉक्स का मतलब डिटर्मिनेंट, इससे डिटर्मिनेंट बनेगी, डिटर्मिनेंट में ये इंटरचेंज हो गए तो पहले रिजल्ट लैम्डा था तो अब माइनस लैम्डा, पहले माइनस लैम्डा होता तो अब लैम्डा। लेकिन अगर आप दो इंटरचेंज कर देते हो, कैसे, ए को सी की जगह ले गए, सी को बी की जगह ऐसे ले आए और बी को इधर ऐसे ले आए, तो सी हो गया यहां पहले, ठीक है, फिर ए आ गया और फिर बी आ गया, या फिर बी सी ए आ गया, ऐसे केस में आपको रिजल्ट लैम्डा ही मिलता है, कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि दो इंटरचेंज अगर आप कर देते हैं तो रिजल्ट वैसा का वैसा वापस आ जाता है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ये साइक्लिक ऑर्डर में सेम आते हैं। लेकिन अगर साइक्लिक ऑर्डर बदल जाता है तो रिजल्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट बनते हैं और उन्हीं डिटर्मिनेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी जोड़ो इन चीजों को एक साथ, हाँ जी। अब मैं वापस आता हूं, यदि किसी
सारणिक में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम, एक नाम है सर्वसम हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, ट्रांसलेट कर देता हूं, फटाफट देख लो। इफ टू रो और टू कॉलम्स इसको ब्रैकेट में लिखना ऑफ ए डिटरमिनेंट आर identical, then its value be zero. यदि किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डेफिनेटली वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। ठीक है, कैसे देख सकते हैं आप? अगर मैं एक डिटरमिनेंट आपके सामने बनाऊं, डेल्टा इक्वल ए बी सी और फिर ए बी सी और यहां एक्स वाई जेड, और अब आपसे कहूं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो डेफिनेटली जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आर वन और आर टू क्या है? इक्वल, क्या आएगी? जीरो। कारण आर वन एंड आर टू आर, तीन निशान लगाए, मतलब ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब देखो, चेक कर लो, डेल्टा इज इक्वल ए बी जेड, ए बी जेड, बी सी एक्स, सी ए वाई, ठीक है भाई, ऊपर से नीचे कर लिए, नीचे से ऊपर चलो, माइनस एक्स बी सी या बी सी एक्स, माइनस वाई सी ए या सी ए वाई, और जेड ए बी या ए बी जेड, ये माइनस में आ गए। चेक कर सकते हो, ए बी जेड से ए बी जेड कैंसिल, बी सी एक्स से बी सी एक्स, सी ए वाई से सी ए वाई कैंसिल आउट, सब जीरो। तभी तो याद करो हम ऐसा कहते थे कि बॉक्स में अगर दो वेक्टर एक जैसे आ गए तो जीरो आएगा। क्यों? बॉक्स का मतलब डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट बढ़ेगी उसकी वैल्यू जीरो आएगी। ओके, तो ये हमारा पॉइंट था, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फोर की ओर बढ़ रहा हूं। पहले उसकी लैंग्वेज हिंदी में लिख देता हूं, उसके बाद में इंग्लिश में। देखो जी, प्रॉपर्टी नंबर फोर बहुत अहम प्रॉपर्टी। यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को
को किसी अशून्य संख्या अशून्य संख्या के से गुणा कर दिया जाए। जाए हिंदी वाले स्टूडेंट फटाफट लिख लो, जाए तो प्राप्त सारणी का मान मूल सारणिक के मान का के गुणा होता है। चलो जी करो कॉपी करो फटाफट। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे If any row or column of a determinant, एक मिनट वापस थोड़ा सा एक बार रिपीट कर रहा हूं। If all elements of any row or column of a determinant are multiplied by a non-zero number k, then the value of new determinant be k time of the value of original determinant. समझ रहे हैं बात को? यदि किसी एक रो या एक कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपको नई डिटर्मिनेंट मिलेगी। उस नई डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट था उसकी के टाइम मिलेगी। कैसे? मैं फिर से वही एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं जिसकी वैल्यू हमें पता है। डेल्टा इज इक्वल टू टू फोर वन एट फाइव टू और माइनस 137। आपको पता है इसकी वैल्यू माइनस 145। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। रो वन या टू या थ्री या कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री किसी भी एक को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने कहा कि रो वन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थ्री आर वन बोलेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो।
तो नया डिटर्मिनेंट बनेगा, डेल्टा नहीं बोलेंगे उसको, डेल्टा वन। वो कितना हो जाएगा देखो, 6, 12 और 3 और बाकी एज इट इज 852 - 137। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू -435 आएगी, चेक कर लेना चाहिए। क्या हुआ, यहां से अगर आप देखेंगे तो डेल्टा वन की वैल्यू डेल्टा की 3 टाइम मल्टीपल हो गई। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, देखो ऊपर करके दिखा रहा हूं आपको, 6 × 5 × 7 = 210, फिर 12 × 2 × -1 - 24, ठीक है, 3 × 3 = 72 - ठीक है, 8 × 24 = 72। इधर करो -1 × 5 × 3 - 15, ठीक है, 3 × 2 × 6 = 36, 7 × 8 × 12 = 56, 112 है, 56 × 10 = 560 और 112 672। आप इसको ऐड करना फिर माइनस करना, आपको क्या मिलेगा -435। तो मतलब यह हुआ कि किसी एक रो या एक कॉलम को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 3 टाइम मल्टीपल आ जाएगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 टाइम मल्टीपल हो जाएगी। अब सोचो कि ये तो ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन अब इसमें कुछ बातें और निकल करके आएंगी, कैसे वो देखो जी। अगर आपके पास में, सुनिएगा ध्यान से, नोट में मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा यहां पर, अगर आपके पास में डिटरमिनेंट है डेल्टा और वो 1×1 ऑर्डर की है, मतलब सिर्फ उसमें एक एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यू ए होगी। अब आपने क्या किया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नई वाली जो डिटरमिनेंट है डेल्टा वन वो क्या हो गई, के ए। अब रिजल्ट क्या मिला, के ए हो गया, मतलब के डेल्टा हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका डिटरमिनेंट 2×2 ऑर्डर का है, देखो एक रो थी, 2×2 में A1 B1 A2 B2 ऐसे एलिमेंट आपने लिए। अब मैं जो कर रहा हूं वो देखो, किसी एक रो को कैसे मल्टीप्लाई किया, मैंने दोनों को कर दिया, दो रो थी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों कॉलम, तो क्या हो गया आपका नया डेल्टा वन, ये क्या हो जाएगा, तो K A1 K B1 K A2 K B2। आपने क्या देखा, दोनों रो कर दिया, एक रो को 1×1 में तो एक ही थी तो K टाइम हो गया, 2×2 में दोनों को कर दिया आपने, तो देखिए यहां क्या जाएगा, K स्क्वायर और इधर भी K स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब K स्क्वायर डेल्टा आएगा। अगर आपका डिटरमिनेंट 3×3 ऑर्डर का हो तो और आपने सबको क्या कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी, तो ये हो गया के ए वन के बी वन के सी वन के ए टू के बी टू के सी टू के ए थ्री के बी थ्री के सी थ्री। अब आप देखेंगे जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये के क्यूब आएगा इसे सारे फॉर्मूले में, तो के क्यूब बाहर निकल आएगा और डेल्टा। तो मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सभी एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। डिटरमिनेंट में एक रो से मल्टीप्लाई करोगे तो के टाइम, दो रो से मल्टीप्लाई करोगे तो के स्क्वायर टाइम, तीनों रो को कर दोगे तो के क्यूब टाइम। तो यानी कि यहां से मेरे पास में एक फिक्स सी बात निकल करके सामने आई, वो क्या कि अगर आपका मैट्रिक्स ए है, किस ऑर्डर का है, एन क्रॉस एन ऑर्डर का है,
तो आप इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के ए बनेगा, और के ए क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एन क्रॉस एन का ही रहेगा। तो अब इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है, के ए की डिटरमिनेंट वैल्यू वो हो जाएगी के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का मतलब सबको करो, सबको करने का मतलब जितनी रो हैं, जितने कॉलम हैं, उन सबको जाएगा। एक रो को मल्टीप्लाई करने पर के टाइम, तो अगर एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो एन रो को मल्टीप्लाई के की पावर एन टाइम, ये आपका रिजल्ट। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये हमारी चार प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7, 8 कुछ जितनी भी हो सकती है उनको डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत ध्यान से समझ लेना, प्रॉपर्टीज़ समझने का मतलब है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आसानी से हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ये हम ऐड कर देता हूँ मैं, रुकना। अगर आप ये कह रहे हो कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक कॉलम, मैट्रिक्स में तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिटरमिनेंट की बात करें तो किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक काम ये भी तो किया जा सकता है, जैसे यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 को बाहर निकाल के यहाँ रख दिया, फिर अंदर वो की वो डिटरमिनेंट बन गई, उसकी वैल्यू -145 है, समझ रहे? तो ये 3 बाहर निकाल लिया तो 3 × -145 मतलब -4325 हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब किसी एक कॉलम या एक रो से कॉमन भी निकाल सकते हैं अपन। ओके, जरूरत के हिसाब से अपन डिटरमिनेंट के बड़े क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे। चलिए अभी इतना ही, थैंक यू सो मच।